सो हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है परफेक्ट एम लॉक कर सकते हो। सो गाइस, एम लॉक होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो गाइस, एम लॉक होता ये है कि आप अगर ड्रैग करते हो, मतलब वन टैप मारने वाली जो सारे के सारे गन्स होते हैं, जैसे लाइक डिजर्ट ईगल, M1887, ड्रैगनॉफ वगैरह, बहुत सारे ऐसे गन्स हैं जिससे आप लोग वन टैप मार सकते हो। तो गाइस, उससे जब आप लोग वन टैप मारने जाते हो, लेकिन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा गन का जो है ऊपर उठ जाता है, मतलब गन का एम जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाता है बंदे के ऊपर, मतलब बंदे के हेड पे जाके चिपकता नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को जो है मैं आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद, जिसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को जो है परफेक्ट एम लॉक हो जाएगा। एंड 100% गारंटी, आप लोग जो है थोड़े से ही प्रैक्टिस करने के बाद जो है वन टैप मार पाओगे। तो गाइस, वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना, क्योंकि गाइस वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। फर्स्ट टिप देने के लिए जो है हम लोगों को जाना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड पे। तो गाइस, अपन लोग जो है आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे। एंड गाइस, आप लोगों को जो है फर्स्ट टिप देने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों को जो ये बीच वाला डॉट दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसियर। सो गाइस, ये क्रॉसियर जो है बहुत ही अहम चीज है। सो गाइस, इस क्रॉसियर को आप लोग अगर मतलब साइड पे रखोगे, जब आपका एम देख सकते हो बंदे के ऊपर जाएगा तो ये रेड दिखाएगा, उसी टाइम पे आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है उसी टाइम पे ड्रैग करने का। तो गाइस, मैं घूम फिर के जो है देख रहे हो मेरा एम रेड नहीं जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी जो क्लिक कर रहा हूं लेकिन गोली नहीं लग रहा है। अभी मेरा एम रेड है, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा, देखो हेडशॉट लग गया। तो गाइस, फर्स्ट ट्रिक या फिर फर्स्ट टिप्स जो है वो यही है कि आपका जो क्रॉसियर है वो हमेशा जो है आपके मतलब बॉडी के, मतलब क्या बोलते हैं गाइस, आपका जो अगेंस्ट टीम पे बंदा है या फिर आपके सामने वाले बंदे के जो है मतलब एकदम रेड डॉट पे रहे, मतलब रेड एम रहे। तो गाइस, तभी जो है आपका हेडशॉट, मतलब आपका जो है एम परफेक्टली जाके बंदे के हेड के ऊपर जाके एकदम स्टेलाइज हो जाएगा या फिर स्टेबल हो जाएगा। इसके वजह से जो है बहुत ही ओपी तरीके से बंदे को जो है हेड पड़ जाएगा। मेरी आप लोग क्लिप्स देख सकते हो, मैं आप लोगों को स्लो मोशन पे दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा से परफेक्टली एम जाके लॉक हो रहा है बंदे की हेड पे। तो गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप लोग देखो मेरा जो क्रॉसियर है वो हमेशा रेड होता है। तो गाइस, रेड होने पे एक यही फायदा है कि बंदे के ऊपर जो है एम जाके चिपक जाएगा। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों का क्रॉसियर, अगर आप लोगों का क्रॉसियर जो है रेड कलर का नहीं दिखा रहा है, फिर व्हाइट कलर का दिखा रहा है, तो गाइस आप लोगों का जो एम बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा या फिर जो है बंदे के हेड के ऊपर नहीं चिपकेगा। तो गाइस, हमारा फर्स्ट टिप्स यही है कि आपका क्रॉसियर हमेशा रेड होगा एंड आप लोग जो है ड्रैग करोगे ऊपर की तरफ। तो गाइस, उसके बाद आते हैं अपन नंबर टू वाले टिप्स की तरफ। तो गाइस, हमारा सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो गाइस, हमारी बातें जो है बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनो, बिकॉज इसी के बाद जो आप लोग परफेक्ट एकदम ड्रैग मार पाओगे। तो गाइस, हमारा सेकंड जो है वो है आपका दूरी या फिर आपका डिस्टेंस। बंदे से आपका कितना ज्यादा डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है एक ड्रैग में या फिर एक वन टैप पे। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर बंदा आप लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर है तो गाइस आप लोगों को सिंपली हल्का सा ड्रैग करना है, हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है एम को। पूरा बहुत ज्यादा उठा दोगे तो गाइस बंदे के हेड पे जाके नहीं चिपकेगा, वो ऊपर निकल जाएगा एम। तो गाइस, हल्का सा हमेशा, अगर आप लोगों को इतना पता होना चाहिए बंदा बहुत ही ज्यादा दूर है, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बंदा बहुत ज्यादा दूर है तो आप लोगों को हल्का ड्रैग करना पड़ेगा, और अगर बंदा सामने है तो थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग उठाना पड़ेगा। एंड बंदा अगर आपके मुंह के बहुत ही ज्यादा करीब है तो आप लोगों को जो है फुल्ली प्रेशर में आप लोगों को उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो गाइस, जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा उतना ही प्रेशर कमेगा हाथ का, ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देना चाहता हूं। अगर आप लोग नहीं समझे तो गाइस वीडियो को जो है 2-3 बार करके देख लो, बिकॉज इसके बाद आप लोगों की गारंटी मैं लेता हूं कि आप लोग 100% ड्रैग मार पाओगे। तो गाइस, हमारी टिप्स को जो है फॉलो जरूर से करने एक बार। तो गाइस, आप लोगों को जो सिंपली यही 2 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं। एंड आप लोगों का सेंसिटिविटी क्या है, आप लोग डीपीआई यूज करते हो नहीं, ये सारे के सारे चीजें मैटर नहीं करती, अपने हिसाब से आप सेंसिटिविटी रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है ये 2 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं, जिसके बाद आप लोग जो है थोड़े से प्रैक्टिस के बाद 100% गारंटी आप लोग जो है ड्रैग हेडशॉट इजीली मार पाओगे। एंड गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर से सेट कर देना। और गाइस, अगर आप लोगों को डीजे आलोक या फिर डायमंड्स गिव अवे जीतना है तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोग उधर से जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मेरे को डीएम करो, आप लोगों को देने की मैं जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा टेक केयर। While I was in the mall, fucking round at the bright now.
fake.